हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपडेट है वो रहने वाली दोस्तों सर्वेयर के संबंध में। बहुत से आवेदक के अलग अलग दोस्तों कमेंट हैं और मेरे पास लगातार यहाँ पे आ भी रहे हैं। तो सभी आवेदकों का कहना ये है कि सर हमारा सिलेक्शन यह हुआ या नहीं हुआ, कैसे हम चेक करें? दोस्तों कहाँ से हमको चेक करना है कि हमें सारा ऐप से करना है कि सारा पोर्टल से करना है? आज मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल खोल रहे हैं सब्सक्राइब और बीजी कर लाइक। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं आप लोगों की सूची है, जो चयन सूची है, सिलेक्शन सूची है, वो कहाँ पर जारी की गई है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सारा ऐप पर नहीं देखना है। कहाँ पर देखना है? सारा पोर्टल पर, ठीक है ना भाई? सभी लोग ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप पर तो आपका सिर्फ गाँव का नाम देखेगा, आपका नाम देखेगा, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन देख रही है। लेकिन दोस्तों आप सारा पोर्टल पर लॉग इन करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगी ऑल इन्फॉर्मेशन। अब उसमें क्या क्या देखेगा? देखिए, जिन आवेदकों को चयन हुआ है उनकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, उनके नाम है नहीं है। जिनका नहीं हुआ है उनका दिख जाएगा दोस्तों कि भाई उस गांव में जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था, पटवारी बोल रहा है कि हमने कर दिए, उनका नाम नहीं दिख रहा, मतलब आपका चयन नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को भाई ग्राम आवंटन हो गए, किन को हो गए वो दिख जाएगा, किन आवेदकों को ग्राम आवंटित नहीं हुए वो दिख जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा आपका सारा जो पोर्टल है, ठीक है ना, वो किसी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब किसका हो रहा है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं आपको लाइव लॉग इन करूंगा यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो अलग अलग दोस्तों कमेंट है सभी के, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले चलते हैं पोर्टल पर, सारा पोर्टल पर, ठीक है ना। आपको ऐप पर नहीं आना, आपको आना सारा पोर्टल पर, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, आपको आना गूगल पर, यहाँ पर लिखना है सारा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सारा, ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ पोर्टल, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूंगा सर्च पे क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही मैं करूंगा सर्च पे क्लिक, मेरे सामने इसका जो होम पेज है वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ओपन, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है। आपको करना है यहाँ पे सारा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं सारा पे, तो इसकी जो होम पेज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ओपन। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होगा लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे इस पे करना है क्लिक। जैसे आप लॉग इन क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे आपका जो जो आपको मिला था दोस्तों यूजर नेम मिला हुआ है दोस्तों आपको, और आपको मिला हुआ है पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल के मैसेज में है, ठीक है। वो करना दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ से लॉग इन, ठीक है। तो मैं दोस्तों अपना जो नाम है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने डाल लिया मेरा यूजर नेम और यहाँ पर डाल लिया पासवर्ड और यहाँ पर डाल लिया कैप्चा नंबर, ठीक है। अब आपको दोस्तों करना स्क्रॉल, जैसे स्क्रॉल करोगे आपको करना लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे करना लॉग इन पे क्लिक। अब दोस्तों जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का ये आ जाएगा इसका होम पेज, ठीक है ना। तो इस तरह का ये खुल जाएगा, क्योंकि बहुत से आवेदकों को नहीं खुल रहा, ठीक है। तो आप लोग मतलब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेट करोगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर, जैसे आप करोगे स्क्रॉल, ठीक है, तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, ये सारे ऑप्शन, ठीक है। अब आपको कहाँ पर जाना दोस्तों? आपको जाना सबसे ऊपर ही, ठीक है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा DCS लोकल यूथ रजिस्ट्रेशन, इस पे करना है दोस्तों आप लोग क्लिक, ठीक है ना। आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अब आपको क्या क्या दिखेगा? जिन आवेदकों को चयन हुआ है उनका दिख जाएगा, मतलब आपको जिले का नाम डालना पड़ेगा, तहसील का नाम डालना पड़ेगा। जैसे ही आप डाल जाओगे अपने ग्राम का नाम, उसमें लिस्ट आती जाएगी। अब आपको उसमें चेक करना है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं, जिन लोगों के नाम है मतलब सिलेक्शन हो गया, जिनके नाम नहीं है मतलब सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पर। अब आप देखिए, जिन आवेदकों को ग्राम आवंटित हो गया असाइन लिखा आएगा, जिनको नहीं हुआ अनअसाइन लिखा आएगा, ठीक है। तो ये उनके ग्राम आवंटन करने की। अब ये ग्राम आवंटन कौन करेगा? ये करेगा आपका तहसीलदार महोदय करेंगे ग्राम का आवंटन, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ जगह दोस्तों ट्रेनिंग हो चुकी है, बता दूं, और कुछ कुछ जगह ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो आप लोग वेट करें, आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर ट्रेनिंग हो जाएगी जिनकी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। अब आपको करना क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपने हमारे सामने इस तरह का ये पेज है वो दोस्तों यहाँ पर लोड होने लगेगा, मतलब यहाँ पर जो डाटा है वो दोस्तों हमारा यहाँ पर डाटा यहाँ पर लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा हमारा होगा दोस्तों यहाँ पर लोड। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा डाटा लोड हो रहा है, मतलब क्या होता है कि दोस्तों लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को रुकना है, मतलब वेट करना है, ठीक है। इस तरह आपके सामने पूरी लिस्ट है ना दोस्तों आ जाएगी। हालांकि क्या है, ये जो खुलता है ना वो थोड़ा रात के टाइम ही खुलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर ला, बड़ा कर लेता हूँ मैं साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, लोकल यूथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे तहसील करनी है, यहाँ पे आपका टोटल विलेज देख जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में कितने विलेज हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को आसान हो चुके हैं गाँव, किन को हो चुके हैं जो सर्वेयर हैं, वो यहाँ पे देख जाएंगे।
जिनको दोस्तों असाइन नहीं हुए, मतलब पटवारी जो तहसीलदार महोदय हैं उनने असाइन नहीं की, उनके दोस्तों यहाँ देख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखने वाली है। ठीक है, अब आपको कैसे चेक करना है, मान लो मुझे करना दोस्तों किसी भी जिले के अपन करते हैं तो अपन करके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर डाल लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप कर लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगा तो डिस्ट्रिक्ट मतलब धीरे धीरे लोड हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लोड यहाँ तो होते जाए, मान लो कोई भी आप लोग कर लोग यहाँ पे, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम कर लेंगे यहाँ पे क्लिक। ठीक है, जैसे मैं कर लूंगा क्लिक तो फिर ये लोड होने की प्रोसेस है वो यहाँ पे चालू हो जाती है। तो इसमें कुछ दोस्तों टाइम लगता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो उस जिले की दोस्तों यहाँ पर जाती है लिस्ट। ठीक है, अब आपको दिख रही होगी दोस्तों यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे आ चुकी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाला दोस्तों, ये लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा जिले का नाम, दिख जाएगा तहसील का नाम, दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आवेदक है वहां पे उसका नाम दिख जाएगा दोस्तों, आवेदक का नाम दिख जाएगा आपको यहाँ पे, और लोकल यूजर यहाँ पे दिख जाएगा, यूए टाइप में आपको यस। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा, यानी उस गांव में दोस्तों इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब मुझे दूसरे गांव की देखनी है दोस्तों। देखिए मैं मान लो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ विदिशा के, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा स्क्रॉल, तो यहाँ पे मैं देखूंगा विदिशा, ये आगे विदिशा, तो इस पर मुझे एक पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, एक पे विदिशा पे क्लिक कर लेता हूँ मैं ओनली। हाँ, ये हो चुका मेरा विदिशा, अभी नहीं हुआ विदिशा। तो क्या दोस्तों मोबाइल में कर रहा हूँ थोड़ा क्या टाइम लगता है मोबाइल होने में। देखिए दोस्तों ये मैंने विदिशा पे क्लिक किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे विदिशा की अंदर जो भी तहसील है वो दोस्तों ओपन हो गई मेरे सामने यहाँ पर। ठीक है, देखिए विदिशा में कितने विलेज हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है 1000। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है 661। ठीक है, टोटल, और टोटल यहाँ पे देखिए मैप कितने हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, जियो रेफरेंस जो जोन है तो 1648, विलेज असाइन यानी कितने सर्वेयर को हो चुका है विदिशा जिले में, तो 1577 असाइन यहाँ पर हो चुके हैं। अन्य कितने और रह गए हैं अभी, तो देखिए 78 यहाँ पर रह गए हैं, इन्होंने यहाँ पे बता दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली 78 रह गए हैं और ये आपके हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे और देखिए लोकल यूजर में क्या लिखा रहा है, नो। ठीक है, यहाँ पे अब आपको दोस्तों देखना है, मान लो तो मान लो क्या करना है आपको, स्क्रॉल करना है यहाँ पे, तो देखिए कार्रवाई की दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका कार्रवाई की दिख जाएगा। ठीक है, सभी का कार्रवाई कराएगा ये, और स्क्रॉल करोगे तो देख लटेरी पठारी रहेगी, कुछ शमशाबाद आपकी रहने वाली है और यहाँ पे रहेगी आपकी। ठीक है, ये भी रहेगी विदिशा विदिशा विदिशा। ठीक है, कार्रवाई रहने वाली है तो सभी की यहाँ रहने वाली है। अब आपको तहसील वाइज देखनी है मान लो, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे करोगे तहसील पे क्लिक, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। मान लो मुझे देखना है, मैं देखूंगा दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, हम देखते हैं दोस्तों स्क्रॉल कर लेते हैं, मान लो मुझे देखना है यहाँ पर इस लास्ट वाले की। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा लास्ट वाले पे, तो क्या ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, धीरे धीरे ये लोड होता है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, मान लो शमशाबाद पे ये क्लिक हो रहा है, एक पे आपको क्लिक करना है आपको। ठीक है, इस पे हो गया विदिशा नगर में हो गया मान लो। ठीक है, तो विदिशा में देखिए यहाँ पे दिख जाएंगे दोस्तों, विदिशा में जो जो आ रहे हैं, तो देखिए जो कौन कौन से बेस आ गया गाँव यहाँ पे, कौन है, योगेश पाल है, मदन खेड़ा में कमलेश राठौर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे नाम यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना दोस्तों सभी के। देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, सभी के नाम देख जाएंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल यूथ रजिस्ट्रेशन 2024, मतलब दोस्तों यहाँ पे 24 फसल के लिए यहाँ पे उनके दिखने लगे। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों आज की थी ये इन्फॉर्मेशन। अब आपके कमेंट होगी सर हमारा नहीं दिख रहा है, देखिए दोस्तों जिन आवेदकों को नहीं दिख रहा है मतलब उन लोगों का दोस्तों यहाँ पे अनुमोदित यहाँ पे नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों जिन आवेदकों को दोस्तों लॉग इन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उनका लॉग इन नहीं हो रहा मतलब उनका वेरीफाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों जिन आवेदक, अब जो आवेदक यहाँ पर देखेंगे वो देख लें, जिनका नहीं दिख रहा मतलब नहीं हुआ, जिनका दिख रहा मतलब उनका कंफर्म यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ये आप लोग समझ लें बिल्कुल। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों सुबह की टाइम या दोपहर टाइम ये साइड है ना सही नहीं चलती, मतलब रात में भी अभी रात को टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो रात को बड़ी चलती, मतलब थोड़ी ये पोर्टल चलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे करके देख लें पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों की जो भी कमेंट है मुझे कमेंट करिएगा, सभी के मैं जवाब दूंगा आप लोगों के लिए। आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।
आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाए चैनल को लें सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।